ये मैंने ही स्टार्ट किया था 82 में। इससे पहले मेरे वालिद का होटल था हाजी महफूज के नाम से हैदराबाद में, उसी नाम से मैंने यहाँ कराची में आके शीरमाला हाउस खोला। 82 से पहले कोई शीरमाला हाउस नहीं था कराची में हैदराबाद में, लेकिन यह है कि इसके अलावा हमारी कराची में कोई ब्रांच नहीं है। तो इसके अंदर मैदा होता है, चीनी होती है, दूध होता है, नमक होता है और घी होता है। लेकिन अब बहुत से लोग जो हैं जो सस्ता माल बेचते हैं वो घी की जगह हल्का घी इस्तेमाल करते हैं RBD वाला, और चीनी की जगह बहुत से सिकरीन इस्तेमाल करते हैं जो सस्ता बेच रहे हैं। शीर माल की तो असल सालन जो है कौरमा ही है, कौरमे से खाया जाता है शीर माल। कौरमे से खा लें या मीठे से खाएंगे तो आप खीर से खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा खाने में, रबड़ी से खाएंगे बहुत मज़ा आएगा, मलाई से खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से पंजाब बहुत लोग लेके जाते हैं, मतलब लाहौर जाता है, फैसलाबाद बहुत जाता है, इस्लामाबाद बहुत जाता है, मुल्क से बाहर भी बहुत लोग लेके जाते हैं। उसकी पैकिंग हम अलग करके देते हैं, सील पैक करके देते हैं, उसको वहाँ ले आके फिर फ्रीज़र करना पड़ता है। 30 घंटे तक वो ख़राब नहीं होगा, जो हम पैकिंग देंगे ना उसमें 30 घंटे तक ख़राब नहीं होता। यहाँ रख लें, ले जाएं, कुछ भी कर लें, 30 घंटे ख़राब नहीं होगा। लोग अपने अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, जैसा हमारे पास जो है एक शीरमल बनता है बग़ैर पानी का होता है, बिल्कुल जो है वो होता है आप समझ लें उसके बिस्किट की तरह होता है, ठीक है। एक वो शीरमल बनाते हैं हम, एक पानी वाला जो नॉर्मल शीरमल आपने देखे होंगे खाए होंगे जो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उस वो एक शीरमल होता है। एक शीरमल हम बनाते हैं जिसमें हम तिल यूज़ करते हैं, वो हम एक शीरमल देते हैं। तो इस और एक चीनी वाला जो हम जो बच्चे ख़ास तौर पर जो है हमसे डिमांड करते हैं फैमिली जाके, तो वो हम उनके लिए स्पेशल जो है चीनी लगा के शीरमल बनाते हैं। शीरमल इसलिए पसंद किया जाता है कि इसमें देखें ये एक है मिठाई की तरह होता है मीठा, ठीक है, मतलब बिल्कुल अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल मिठाई जैसा होता है, मगर ये इतना मीठा होता है कि मतलब चीनी अपना चाय के साथ ले सकता है और सादा भी खा सकता है इसे। शीरमल जो है इसमें हम लगता है सबसे पहले मैदा, चीनी, ड्राई दूध लगता है फुल क्रीम का। तरीक़ेकार इसका यही होता है कि मैदे के साथ जो है फ्रेश पानी है, ठीक है, वो है पानी के साथ इसको तकरीबन 5-10 मिनट 15 मिनट जो है छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जब ये सेट हो जाता है उसके बाद जो है फिर इसको तंदूर में इसको कुक किया जाता है। क्वालिटी में सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो करती है इसमें घी का, फुल क्रीम का जो है ड्राई अपना जो मिल्क है वो यूज़ करते हैं इसके अंदर। चीनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीनी लाते हैं इसमें। आटा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। क्वालिटी गिरा देंगे तो उसका यह है कि चीज़ तो बन जाएगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ नहीं बनेगी, चीज़ बन जाएगी, मगर क्वालिटी में जो है फ़र्क आएगा, फिर वो क्वालिटी नहीं रहेगी उसकी जो एक स्टैंडर्ड होता है शीरमल का। देखिए नॉर्मली अभी जो मार्केट में आपको पता है जैसे रेट हाई हुए हैं तो उसके हिसाब से प्राइस भी हाई हो गया, मगर अभी फ़िलहाल हमने जो है उसे वही रेट में जो पुराने रेट हमारे पास चल रहे हैं 35 रुपीज़ का एक शीरमल चल रहा है, वो हम उसी रेट में अभी इसे सेल कर रहे हैं। हम लोग को तकरीबन आज 25 साल हो गए पूरे, मतलब 35 ब्रांचेज को फेमस। इसका रीज़न होने का मतलब ये है कि हम अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं, हम अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं, इवन इसमें हम सूखा दूध डालते हैं जिसकी वजह से ये नरम रहता है। इवन अगर आप 4-5 घंटे भी इसको अगर रखते हैं घर के अंदर कहीं पे जमा करके तो ये नरम ही रहेगा और टेस्टलेस नहीं होगा। ये देखें नॉर्मल लेवल पर हम तैयार करते हैं, इस पर हर बंदा खा सकता है, इवन जो शुगर के मरीज़ हैं हमारे भाई जो हैं वो भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मिकदार में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, ना कि स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोई और चीज़। अगर कस्टमर कहता है जैसे मुझे शीरमाल के अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, इसके अंदर तिल लगवाने हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें डलवानी हैं, तो जैसे कस्टमर मतलब के हिसाब से हम उसको बना के देते हैं अच्छे से अच्छा। जैसे ही शीरमाल तंदूर से निकलता है तो बहुत सख्त होता है, इसके ऊपर जब पानी लगता है तो ये बिल्कुल नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है बिल्कुल। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो बगैर छींटे का शीरमाल कहलाता है और वो मतलब चाय के साथ डुबो के लोग शौक से खाते हैं, इवन शाम के टाइम पे लोग मुझसे परचेस करके जाते हैं। हम 35 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें हम ये सब चीज़ें अवेलेबल कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसमें, और हर बंदा कई जगह पे ये 20 रुपये का 25 रुपये का भी सेल हो रहा है, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती।